प्लीज देखिए, एक्चुअली होता क्या है, हम जो हैं क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मैथ्स में, तो हम बात कर रहे हैं किसी टास्क की। जब हम कोई काम करते हैं, कोई टास्क लेते हैं, करते हैं, टास्क को हम मैथ्स में बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट। If we are doing any experiment, तो उस एक्सपेरिमेंट में या उस टास्क में, उस काम में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो there will be some results. तो उन रिजल्ट्स को आप कहते हैं आउटकम्स। चैप्टर बहुत छोटा सा है, डायरेक्ट भी हम बगैर इन सारी चीजों को समझे भी हम क्या कहना चाहिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये टर्म्स समझ लो कि इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी क्या है। तो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को हम कह रहे हैं आउटकम्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यही करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन्हें काउंट कर लेंगे। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जो हैं हमें नहीं पता, नॉट श्योर हैं, नॉट सर्टेन है, तो फिर उसकी हम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड नहीं कर सकते, उस एक्सपेरिमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे कि कुछ भी हो जाएगा। तो अगर कुछ भी हो जाएगा तो हमें नहीं पता, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए उस, हम उसकी बात कर रहे हैं जिस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट श्योर हैं, ठीक है, सर्टेन है कि भाई यही होना है, इस अगर हम ये काम करेंगे तो इसमें ये और ये होगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि कॉइन इज टॉस, अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे तो रिजल्ट्स आर फिक्स, हेड एंड टेल, ओनली टू रिजल्ट्स विल बी देयर। अगर हम डाई थ्रो करते हैं, जो लूडो का हमारा दाना होता है जो गेम्स खेलते हैं, अगर वो थ्रो करते हैं तो देयर विल बी ओनली सिक्स रिजल्ट्स, आइदर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स। तो ये हमारे पास फिक्स रिजल्ट्स हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। अब होता क्या है, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, तो हमें जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, तो मैं उसको कह रहा हूं डिजायर्ड रिजल्ट। आपको क्या चाहिए, आप मैच खेल रहे हो तो क्यों खेल रहे हो, आप जीतने के लिए खेल रहे हो या हारने के लिए खेल रहे हो। समटाइम होता है, आपने सुना होगा मैच वॉज फिक्स, तो प्लेयर हारने के लिए भी खेल सकता है। तो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, उस डिजायर्ड रिजल्ट को हम कहते हैं इवेंट, कि इट शुड बी हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो उसे हम कहेंगे इवेंट। तो इस इवेंट के फेवर में जो भी लामिया ने कहा फेवरेबल आउटकम, वो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो हम ये भी काउंट कर लेंगे। तो मैंने नहीं कहा था, किसने कहा था, अभी कोई बोला था ना फेवरेबल आउटकम, जैना कौन, किसी बच्चे ने कहा, मैंने बोला जी, सब मैंने कहा था, हेलो सब मैंने कहा था। अच्छा बेटे, तो यही हमारे पास है कि हमें क्या करना है, हमें किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट्स काउंट करने हैं और फेवरेबल रिजल्ट्स काउंट करने हैं, बस दैट्स इट, यही हमारा चैप्टर है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं प्रिडिक्शन, किसी चीज का अंदाजा लगाना, ठीक है, एज्यूम करना कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस इवेंट, ये जो हो सकता है इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो प्रिडिक्शन करना या प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास ऑफ एन इवेंट इज जस्ट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, सिर्फ इतना सा चैप्टर है बेटे और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, सपोज करो एक छोटे से क्वेश्चन से लेते हैं, उससे फिर आगे के टर्म्स सीखेंगे कि इफ यहाँ पे क्या क्या चीजें आई हैं, कि इफ वी थ्रो ए वी टॉस ए कॉइन, इफ ए कॉइन इज टॉस,
एंड टॉस वंस. तो कॉइन को टॉस करना इज एन एक्सपेरिमेंट. तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे अगर हम कहें, चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड. तो ये आपके पास क्वेश्चन है. अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको सिर्फ नंबर्स में गिनना है, काउंट करना है. तो आपके पास क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो देयर आर ओनली टू रिजल्ट्स. बट आपको चाहिए हेड, तो फेवरेबल आउटकम of getting head is only one out of two results, either head or tail. Only one result is in our favorable. तो आपके पास हो गया वन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2. दैट इज द ओनली चैप्टर. यू नीड टू राइट ओनली 3 लाइंस. व्हाट इज टोटल रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स फॉर दैट इवेंट. वन इज एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर द टास्क इज, तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और जो आपको चाहिए उसके फेवर में क्या है. And that's it. The probability is favorable outcome upon total possible outcomes. Again, एक अगर हम question कहें कि suppose करो question number 2, we have 4 red balls and 5 black balls. इस तरह के question आपने 9th में भी पढ़े. In a bag, if one ball is drawn what is the probability of drawing of getting a red ball. ये मेरे पास 4 red balls and 5 black balls in a bag. If one ball is drawn, what is the probability of getting a red ball? अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपके पास एक बैग है और उस बैग में आपके पास 4 red balls हैं, and 5 black balls, and you have to take out one ball randomly from this bag. So what are the possible results? कितने different results हो सकते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? If we have to take out one ball from this bag randomly, so how many results are possible? One ball is drawn. 9. Okay. So total results are 9. 9. Okay. हो सकता है आप इस बॉल को ड्रॉ करें, हो सकता है आप इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें. तो there are 9 possible ways. इसका मतलब ये होता है जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उतने ही रिजल्ट्स होते हैं. बेटे कॉइन को टॉस कर रहे थे तो देयर वर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर हेड टेल, तो 2 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे 9 टोटल बॉल्स हैं तो 9 ही ऑप्शंस हैं. बट आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल. तो रेड के फेवर में कितने हैं? सो 4.
फोर कोई सी भी रेड में से बॉल आ जाएगी तो आप कहोगे भाई रेड आ गई, बात खत्म। तो हमें ये थोड़ा ही कहना है कि ये वाली रेड चाहिए या वाली रेड चाहिए, हमें तो रेड चाहिए। तो फेवरेबल रिजल्ट्स, फेवरेबल आउटकम्स आर फोर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज 4/9। क्वेश्चन वो सॉरी चैप्टर सिर्फ बेटा आपका इतना ही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ के ये तीन चीजें लिख सकते हैं, अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं बस इतने से में, अगर आप समझ सकते हैं। बट क्वेश्चंस को लैंग्वेज को समझाना है थोड़ा सा, बस इतना ही रहेगा, अदरवाइज चैप्टर इज ओवर। इन एनी क्वेश्चन यू जस्ट टू थिंक कि हाउ मेनी रिजल्ट्स आर, वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, वी आर डूइंग दिस एक्ट, वी आर डूइंग दिस टास्क, तो हाउ मेनी डिफरेंट रिजल्ट आर पॉसिबल, दैट्स इट। आप नंबर्स में काउंट करिए, जो आपको चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ या इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, उसके फेवर में रिजल्ट्स कितने हैं, तो वो आप काउंट कर लो, देन दोनों को डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगेन वन मोर क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है, वन डाई इज थ्रोन। अभी हम सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये तो हम कर सकते हैं। वन डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। When die is thrown once, what is the probability of getting an even number? तो आपको फिर क्या करना है आंसर में, die is thrown once. तो die होता क्या है, die होता है आपके पास इस तरह का, उस पर आपको पता है six हमारे पास numbers होते हैं, either 1, 2, 3 and 4। So, आपको मेंशन करना है टोटल रिजल्ट्स, सो टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन नंबर्स देयर आर 6 डिफरेंट रिजल्ट्स इफ वी थ्रो ए डाई एट वंस। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इवन नंबर। तो इफ वी नीड एन इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए हमें फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं कि भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं। आप क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवन नंबर। बताओ इवन नंबर के फेवर में कितने रिजल्ट्स होंगे, out of these 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many are even? So, 3. Yes, either 2 or 4 or 6. ठीक है सर, तो आपके पास even numbers हो जाएंगे 2, 4, 6, only 3. तो अगर 3 हो जाएंगे तो probability of even number is 3/6, and 3/6 is what? 1/2. 3/6 is what? 1/2. तो ये हमारे पास आंसर। तो इतनी सी प्रोबेबिलिटी है आपकी। अब जरा देखिए क्वेश्चन, अगर हम बात करें
ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है छोटा सा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे. ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड. क्वेश्चन विजिबल है सब बच्चों को? यस सर. आपसे क्या कह रहे हैं, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हुए? क्यों भाई, 3 + 5 = 8 बॉल्स भी है. ए बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल अगर आप ड्रॉ करेंगे, वन बॉल इज ड्रॉन, सो टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 8. बट आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल. तो 4 रेड बॉल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल रिजल्ट्स, 3 रेड बॉल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8. बताओ ये सब बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एनसीईआरटी का. ये सब बच्चों को क्लियर है? यस सर. अब देखो, अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है. अभी हमने क्या कहा, अभी हमने इवेंट के लिए कहा है, यस. हमारे पास क्या होता है, हमने अभी जो कहा है प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या होता है, हम बात कर रहे हैं इवेंट की. अब यहां से ये टर्म समझने की कोशिश करिए. तो इवेंट में एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल. अगर आप इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात कर रहे हो, तो हम जैसे टर्म्स वर्ड अपने आप में है इम्पॉसिबल, तो बस वही सीधी सीधी सी चीज है कि भाई आपकी इवेंट जो है वो पॉसिबल नहीं. हमने क्या कहा, हमने कहा वन डाई इज थ्रोन. आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, वन डाई इज थ्रोन. और आप क्या कह रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, गेटिंग ए नंबर 7. अब बताओ इज इट पॉसिबल? जी बेटे, इज इट पॉसिबल? नो सर, नो सर. ठीक है भाई, अगर डाई थ्रो करेंगे तो वी हैव 6 डिफरेंट रिजल्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नॉट 7. तो 6 से 7 के फेवर में कोई भी रिजल्ट नहीं होगा. देखो आपने डाई थ्रो किया तो टोटल रिजल्ट्स तो अभी भी 6 ही हैं. टोटल रिजल्ट्स जो होंगे बेटे वो तो हमेशा 6 ही रहेंगे, जिसके जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके रिजल्ट वही आने. बट आप कह रहे हो 0, तो फेवरेबल रिजल्ट्स, favorable outcomes for 0, for 7, sorry, मैं कह रहा हूँ 0, for 7 are 0. तो what is the probability of 7? तो probability of 7 will be 0/6. And 0/6 क्या होगा? 0 होगा. ठीक है? तो impossible event की probability जो होती है, वो हमेशा 0 होती है. तो probability of an impossible event is 0. अच्छा, अब एक टर्म लेते हैं sure event. अगेन यहां पे जो टर्म है वो बिल्कुल क्लियर है, sure. इसका मतलब ये है कि हम ऐसी चीज की कर रहे हैं बात कि जो होना ही होना है. भाई मौत आनी है, हाँ भाई बरह क्या आनी है, जो चीज स्टार्ट हुई है वो एंड भी होनी है. ये चीज है, तो ऐसी इवेंट जो होना ही सर टेंड टू हैपन. हमने आपसे कहा
if a die is thrown, find the probability of getting a number. Please ध्यान से देखे, getting a number less than 7. Find the probability. हेलो बेटे, आवाज आ रही है? यस सर जी, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे श्योर, जी बेटे स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। तो हमने अभी जो लिया, दो तीन चीजें रह रही हैं, बस वो टर्म्स आप समझ लीजिए, बाकी तो बाद में कर लेंगे। चैप्टर भी इतने पे ही डिपेंड करता। तो अब हम कह रहे थे आपसे कि हमारे पास एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि वो चीज होनी ही होनी है, सर्टेन टू हैपन, इट मस्ट बी हैपन। तो हमारे पास क्या है, हम अगर आपसे कहें कि भाई हमें, हमने डाई को थ्रो किया और डाई को अगर हम थ्रो करेंगे, डाई इज थ्रोन, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप क्या कह रहे हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, ठीक है भाई, लेस देन 7। तो आप अगर लेस देन 7 की बात करते हो, तो लेस देन 7 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, कौन कौन से नंबर्स फेवरेबल हैं? इज 1 लेस देन 7? यस सर। इज 2? सर ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर्स, यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेवरेबल हो जाएंगे इस केस में, वो सारे हो जाएंगे। तो हमारे पास फेवरेबल भी 6 हैं और टोटल भी 6 हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 7 इज 6/6, तो 6/6 होता है 1। तो यही मेन पार्ट होता है कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो बेटा हमेशा मोर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मोर देन इक्वल्स टू 0। भाई प्रोबेबिलिटी सीधी सी बात है, या तो होगी नहीं, अगर नहीं होगी तो वो होगी 0, और 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, या फिर 0 से ज्यादा होगी, लेकिन हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। मतलब श्योर इवेंट से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कोई चीज, या तो होगी नहीं, और होगी तो फिर श्योरली होगी। तो आइदर इट इज 0 अगर नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। अगर कभी आपसे कहने लगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव है, चांसेस है ही नहीं भाई, नेगेटिव चांसेस हैं, तो ये टर्म जो है हम नेगेटिव बोल सकते हैं, बट मैथमेटिकली नहीं होता। इसी तरह से हम बोलते हैं कि भाई 200% चांसेस हैं, तो 200% भी चांसेस नहीं होते, 100% होते, बस 1 इज कंप्लीट फिनिश। तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, और 1 0 से कम नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं। ये हमारे पास, हमारे पास एक और होता है टर्म, बस ये लास्ट है हमारे पास, हमारे पास होता है नॉट इवेंट।
नॉट इवेंट क्या है हमारे पास भाई? एक तो ये है कि आप जो है लूडो खेल रहे हैं और आप चाह रहे हैं, आपने डाई को थ्रो किया, आप चाह रहे हैं टू आ जाए, आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेटिंग टू, तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हो जाएगा 1/6, आउट ऑफ 6 ओनली वन नंबर इज हियर दैट इज 2 जो मुझे चाहिए, तो मेरा फेवरेबल हो जाएगा 1 और टोटल हो जाएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है कि सर 2 नहीं आना चाहिए, आप चाह रहे हो 2 आ जाए, और सामने वाला क्या कह रहा है नॉट 2, तो बताओ नॉट 2 के फेवर में कितने रिजल्ट्स होंगे? क्वेश्चन क्लियर है? इफ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2? अब नॉट 2 का मतलब है अगर 1 आए तो भी नॉट 2 में आएगा, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो दीज नंबर्स आर नॉट 2, तो नॉट 2 के फेवर में हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 इज 5/6। तो यही हमारे पास है बस क्वेश्चन, एक हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और एक हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा भाई, या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, तो या तो कोई मेरे साथ है या फिर मेरे साथ नहीं है, तो टोटल मिलके चीजें जो हैं वो 1 होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी एक चीज का पता हो तो दूसरे को हम 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है तो आप सीधा सीधा सा ये भी कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या मतलब? सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि मैच के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है वो 0.2 है, तो ठीक है मैच के फिर हारने की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं हम 1 में से माइनस करके, तो कितना आ जाएगा 0.8। क्लियर है सर? तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है सिंपल सी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी लैंग्वेज हमें समझनी है, अदरवाइज हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है जो अभी हमने पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अगेन 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना ही समझना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, पहली चीज जो हमने पढ़ी है। फिर हमने जो पढ़ा है कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी जो आपकी लाई करेगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इनका सम हमेशा 1 होता है। बस इतना सा है प्रोबेबिलिटी जो आपको समझना है। अगर आप इतनी टर्म समझ गए हैं और आपको थोड़ा सा भी अच्छे से मतलब लैंग्वेज को समझना आता है तो आप पूरा चैप्टर अपना कर सकते हैं, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से। तो कोशिश कर लीजिएगा बेटे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। एक ही एक्सरसाइज है बेटे आपके चैप्टर में, ठीक है, ओनली 1 एक्सरसाइज दिया। दूसरी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑप्शनल। तो ओनली 1 एक्सरसाइज का ये चैप्टर है, बहुत सिंपल सा, और ये जो मैंने आपको लिखा है सिर्फ इसी पे बेस्ड सारा कुछ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, मे बी देयर इज इम्पॉसिबल इवेंट। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जरा देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेट भी ऐसे ही हो रहा है आज तो। क्वेश्चन ही देख लेते हैं।
आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नजर आ रहा है कुछ? जी बच्चों को नजर आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होता है? दोनों का सम कितना होता है? अभी बताया था वन होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए खैर आप लोग देख लीजिएगा इसको, मैं भी आपको एक शीट भी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और उस पर भी गूगल क्लासरूम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज भी आपको लिंक शेयर उसका कोड शेयर किया था, उस पर सारी की सारी वर्कशीट में डाल रहा हूँ। मैंने उसमें चैप्टर वन का भी डाला है और स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर भी डाला है जो स्टडी पॉइंट की बुक है, तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं।